बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बेटे, कल हमने एसिड और बेस की, बेटे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, आज हम एसिड और बेसिस के यूजेस को स्टडी करेंगे। तो बेटा, जो इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं और उनके यूजेस जो हैं, मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिए। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। पहले इसको डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4, ये बेटा फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। खाद, फर्टिलाइजर कहते हैं बेटा खादों को, ये खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। कौन सी बेटे? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, ये दो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है बेटा, इनको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है बेटा। अब उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड एक्सप्लोसिव, धमाका खेज बाजी बनाने में इस्तेमाल होता है। ड्रग्स, नशावर अद्वियात इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा डाइस बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जो पेंट्स में भी इस्तेमाल होती है, उसके अलावा कपड़े लेने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब बेटा आपने देखा होगा मोटरसाइकिल, कार वगैरह की जो बैटरीज होती हैं, उन कार वगैरह की बैटरीज के अंदर जो लिक्विड यूज होता है वो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का पतला सोल्यूशन, डायल्यूट सोल्यूशन होता है। तो इट इज यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद बेटे आपके पास क्या है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है। नाइट्रिक एसिड का मेरा बेटा फार्मूला क्या है, HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है बेटा, ये भी फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट बेटे, ठीक है, NH4NO3 इसका फार्मूला है। उसके अलावा एक्सप्लोसिव, धमाका खेज मादे जिन्हें कहते हैं, उसमें, उसके अलावा पेंट्स में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कॉपर की प्लेट्स जो हैं वो डेकोरेशन पीसेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर जो नक्श नगार होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इचिंग डिज़ाइन, नक्श नगार बनाने के लिए ऑन द कॉपर प्लेट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या है, HCl। इसके जो इस्तेमाल आते हैं, नंबर एक क्लीनिंग द मेटल्स, मेटल्स के ऊपर जंग वगैरह लग जाता है उसको साफ करने के लिए, स्टेन्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा डेनिम, चमड़े को प्रोसेस करने के लिए, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का बेटा फार्मूला क्या है, C6H5COOH, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए, सेफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है एसिटिक एसिड। बेटे एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या बेटा, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। इस सिरके के अंदर आपने देखा होगा घर के अंदर जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड बेटा फ्लेवरिंग ऑफ फूड, फूड को फ्लेवर करने के लिए, आपने देखा होगा आजकल खाने वगैरह पक रहे हैं रमजान के अंदर, तो आप देखेंगे खानों के अंदर सिरका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खास तौर पे जो चाइनीज फूड बनते हैं उसमें सिरके का इस्तेमाल होता है, वो खाने के अंदर फ्लेवर पैदा कर देता है, उसको मजेदार बना देता है। उसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सिरके वाला अचार देखा होगा, अचार के अंदर सिरका डाल दिया जाता है, ठीक है, ऑयल डालने की जरूरत होती है, उसको लंबे अच्छे तक महफूज कर लिया जाता है। उसके अलावा टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट कहते हैं मतलब भीड़ को, भीड़ वो पीले रंग का एक इंसेक्ट होता है जो उड़ रहा होता है, जिसे पंजाबी में आप पीला भूंग भी कहते हैं। तो भीड़ जो होता है ना, उस जब आपको काटता है तो उसके उसके इलाज के लिए टू क्योर द स्टिंग ऑफ द वेस्ट, ठीक है, क्या इस्तेमाल होता है बेटा, एसिटिक एसिड। अगर आप उसके ऊपर एसिटिक एसिड लगा दें तो बेटा क्या होगा, उसका जो असर होगा, उसकी जो स्वेलिंग होगी वो खत्म हो जाएगी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ दीज एसिड्स। तो बेटा हम अब पढ़ेंगे बेटा बेसिस के बता दें, ठीक है। जो बेसिस है हमारे पास क्या है बेटा, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है, NaOH। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब फैट को और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आम जबान में आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो जब इसको दोनों को मिक्स करके हीट किया जाता है तो आपके पास सो बनता है और साथ ग्लिसरीन बन जाती है। तो बेटा सो बनने के अमल को स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेटे फार्मूला आपके पास है CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaCl OCl। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर,
हार्ड वाटर को बेटे सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि हार्ड वाटर जो होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उन सॉल्ट्स की वजह से पानी के अंदर हार्डनेस आ जाती है। तो हार्ड वाटर जो है आप पी नहीं सकते, ठीक है, उससे कपड़े भी उजड़े होते हैं। उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर देते हैं ताकि वो पानी के अंदर हार्डनेस को खत्म कर दे। उसके अलावा, ठीक है, लेक्स और सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर और लेक्स के अंदर ईस्टर ड्रेन की वजह से तजाबियत पैदा हो जाती है। तो आप लेक्स के अंदर, झीलों के अंदर और एसिडिक जमीन को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक सुटेबल अमाउंट जो है वो जमीन के अंदर भी मिक्स कर दी जाती है और लेक्स के अंदर भी डाल दी जाती है ताकि वो ईस्टर ड्रेन के असर को खत्म कर सके, ठीक है बेटा। तो ये इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल एंड द लेक्स ड्यू टू ईस्टर ड्रेन। अब इसके बाद आ जाता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है, KOH, ठीक है। देखिए आप देखा होगा आमतौर पर जो बैटरीज आप इस्तेमाल करते हैं कार या मोटरसाइकिल की, उनके अंदर जो है एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बेटा आजकल जो बैटरीज आ रही है वो अल्कलाइन बैटरीज भी आ रही है। तो अल्कलाइन बैटरीज के अंदर क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगली बेस आ रही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है ना। अगर आपके स्टमक के अंदर किसी वजह से तजाबियत पैदा होगी तो आप देखते हैं कि आप एक वाइट कलर का लिक्विड पीते हैं, वो हकीकत में होता क्या है, इट इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा वो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का सस्पेंशन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड होता है। तो ये आपके स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जब शहद की मक्खी काट लेती है, शहद की मक्खी जो होती है मैडम उसके डंग के अंदर एसिड होता है, ठीक है, शहद की मक्खी जब आपको काटती है तो आपके जिस हिस्से पर वो स्टिंग लगाती है, डंग लगाती है, वह स्वेलन हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर क्या लगा दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर आप लगा दें तो उसका असर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इट इज यूज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। पांचवें नंबर पे आ जाता है बेटा आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल प्लस, ठीक है। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, जो आपने देखे होंगे आग बुझाने वाले आलात जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, उनके अंदर फोमिंग पैदा करने के लिए, झाग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि झाग जो है पैदा हो जाए और उसकी वजह से क्या होता है कि आग आसानी के साथ बुझ जाती है। इसके बाद आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपके कपड़ों के ऊपर जो ग्रीस के दाग धब्बे या स्टेन्स लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जो कारीगर होते हैं मोटर बाइक्स को, कार वगैरह को ठीक करते हैं, जो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं उनके कपड़ों में लग जाते हैं, तो ग्रीस के दाग जो हैं, दाग उसके जो स्टेन्स होते हैं वो साबुन से नहीं उतरते। तो फिर क्या किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है इन दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटे देखिए आज हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा वो यूजेस ऑफ एसिड्स पढ़ा और उसके अलावा यूजेस ऑफ बेसिस पढ़े। आपका जो बेटा अगला टॉपिक आ रहा है वो है बेटा पीएच स्केल और इंडिकेटर्स आ रहा है। अब ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, और ये दोनों टॉपिक जो हैं जब आप स्कूल में तशरीफ लाएंगे तो फिर उस वक्त मैं आपको लैब में जाकर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पीएच स्केल निकालूंगा और पीएच पेपर निकालूंगा, उसके स्ट्रिप से मैं मुख्तलिफ सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करके बताऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि किसी भी कंपाउंड की नेचर को बताने के लिए आइदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है, हम यूज करते हैं पीएच पेपर को और पीएच पेपर के साथ एक स्केल बना होता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं जिनके अंदर लिटमस पेपर भी है, मिथाइल ऑरेंज भी है, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स जो हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला लैब के अंदर, और अगले जो दो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह ताला वो आपको प्रैक्टिकल करके समझाए जाएंगे, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।